देश। इस मॉड्यूल की समाप्ति पर आप सभी को निम्नलिखित विषयों पर संपूर्ण जानकारी होगी। खाद गड्ढा क्या है, जैविक खादों से लाभ, कूड़ा खाद गड्ढे के लिए उपयुक्त क्षेत्र, जैविक खाद के निर्माण में आने वाले कच्चे माल, कूड़ा खाद गड्ढा खोदने के लिए आवश्यक औजार और दूसरे साधन, कूड़ा खाद गड्ढा खोदने के तरीके, कूड़ा खाद को बनाने के तरीके, जैविक खाद निर्माण में होने वाली या बरतने वाली सावधानियां। परिचय। किसान अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का उपयोग खेती के उत्पाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। इससे हमारे देश में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा मिला। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाना एक अल्पकालीन प्रतिमान है, परंतु आगे चलकर धरती की उत्पादकता कम होती है और धरती की उत्पादकता घटने लगती है। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरक महंगे और वे कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए पोषण खेती के निवेश पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, जिससे खेती पोषक वातावरण, सहगामी और आजीविका की गतिविधि पर निर्भर हो सके, तो फिर जैविक खाद की उपयुक्त विकल्प और वे खेती के अवशेष और कचड़े, रसोई के कचड़े, सब्जी के कचड़े, घास और कृषि आवास गृह अथवा फार्म हाउस के कचड़े, जैसे गाय के गोबर, मुर्गियों के कचड़े, भेड़ के गोबर आदि। कंपोस्ट क्या है? फसल के अवशेष, गाय के गोबर, हरी पत्ती खाद, नीम की खल्ली, भूसा और अरंडी, रसोई के कचड़े और फसल से निकले जंगल आदि इस काम आते हैं। सभी कचड़ों को गड्ढे के परतों में भरें और उन्हें गलने के लिए छोड़ दें। इस प्रक्रिया में हम गलने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। ये कूड़ा गलन प्रक्रिया कंपोस्टिंग अथवा कूड़ा खाद कही जाती है, और इस तरीके से तैयार खाद कूड़ा खाद या कंपोस्ट खाद कहा जाता है। इसके लिए काम आने वाले गड्ढे को कूड़ा गड्ढा या कंपोस्ट पिट कहते हैं। कूड़ा खाद से लाभ। अब हम कूड़ा खाद से होने वाले लाभ को देखेंगे। उपलब्ध जैविक कूड़ों को प्रभावी ढंग से उपयोग करके उन्हें खाद में परिवर्तित करना है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। जैविक खाद का उपयोग जमीन की उर्वरता को बढ़ाता है और फसल की उपज को बढ़ाता है। संतुलित उपज सभी ऋतुओं में किया जा सकता है। जैविक खाद के प्रयोग से हमें न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलते हैं, अपितु हमें उन सभी सूक्ष्म जंतुओं को पोषण भी मिलता है। उदाहरण के लिए आयरन, जिंक, मैंगनीज, तांबा, मॉलिबिडिनम आदि। हमें गुणवत्ता वाले खेती उत्पादन मिल सकते हैं। उदाहरण हमारे अपने जीवन तथा रुचिकर उत्पाद का मिलना। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को छोड़ने से हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी हल्की हो जाती है और अधिक पानी सूखने में सहायक होती है, और मिट्टी की नमी को लंबी अवधि तक बनाए रखता है। हम इस जैविक खाद को हर जगह बना सकते हैं। इसके लिए कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम कूड़ा खाद के द्वारा पानी को संरक्षित कर सकते हैं, वायु मिलने की स्थिति में सुधार ला सकते हैं,
धरती की जल संग्रह की क्षमता को बढ़ा जा सकता है। हम इससे धरती के संरक्षण को कम कर सकते हैं। उपयुक्त जगह। कूड़ा खाद निर्माण के लिए उपयुक्त जगह को देखें और सीखें। हम उस जगह का चुनाव करें जहां जैविक कच्चे कूड़े की उपलब्धि अधिक हो। हमें उस जगह का चुनाव करना चाहिए जिधर पर्याप्त खेती के कचरे उपलब्ध हो। यहां पशु शेड या कृषि क्षेत्र वहां होने चाहिए जहां पानी के स्रोत और पेड़ की छाया उसके समीप हो। ये सब कूड़ा खाद गड्ढा खोदने के लिए पालन करने वाले मुख्य नियम हैं। थोड़े ढलान वाली जगह होनी चाहिए जहां पानी जमा के बिना उसे संचित करने की क्षमता हो। कूड़ा खाद निर्माण के समय इन नियमों को ध्यान में रखें। कच्चे माल की आवश्यकता। अब हम जानेंगे कि जैविक वस्तुओं के निर्माण के लिए किन कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र के खाद, पशुओं के गोबर, भेड़ के दाने, मुर्गियों के खाद, जानवरों के मूत्र, गीला गोबर गैस। फसल की बर्बादी। खेती के फसलों का अवशेष चावल का पुलाव, मोथा या घास फूस, गन्ने की पत्तियां और सभी खेतों के अवशेष। बागवानी के अवशेष, सभी सूखे पत्ते, फूल, सूखी सब्जियां, सूखी शाखाएं आदि। रसोई के अवशेष, सारी गली सब्जियां, सब्जियों की पत्तियां, सब्जियों के अवशेष, फलों के अवशेष आदि। हरी पत्तियों की खाद, सभी फलों की पत्तियां और नीम के फल, अरंडी, कैलोट्रोपीस, क्रोटालेरिया आदि हरी पत्तियों वाले खाद कहे जाते हैं। नीम की खल्ली, अरंडी, पोंगोमेनिया और गन्ने की पत्तियां आदि को गड्ढे में डाल देने से 70 या 90 दिनों के खाद बन जाते हैं। गड्ढा घोल। गीला गोबर गैस और जानवरों के मूत्र कूड़ा गड्ढे में गलन प्रक्रिया को बढ़ा देता है। कूड़ा खाद गड्ढा खोदने के लिए आवश्यक औजार और उपकरण। धागा, चूना पाउडर, उपकरण, कुदाल अथवा सब्बल, फावड़ा, बांस की टोकरियां, धुरमुस। कचड़े वाले गड्ढे को चिन्हित करने की विधि। कृषि कचड़े के अवशेष की मात्रा जिसे कूड़े गड्ढे में डालना हो। कूड़ा गड्ढे को चिन्हित करने के पहले हमें उसमें लगने वाले कच्चे मालों का लेखा झोंका कर लेना चाहिए। पहले किसान अपने उपलब्ध कच्चे मालों की उपलब्धि जान लें, जैसे खेती के क्षेत्र के खाद, फसलों के अवशेष, हरी पत्तियों के खाद और तेल बीजों से बनी खल्लियां आदि। खेती क्षेत्र के अवशेष ढेर कूड़ा गड्ढे के लिए बराबर अपेक्षित जैविक खाद बटा सूचकांक समीकरण। सूचकांक क्षेत्र 0.8 और 0.9 लेना होगा। एक एकड़ जमीन के लिए 10 टन जैविक खाद की आवश्यकता है, इसलिए इस मात्रा में जैविक खाद प्राप्त करें। हम देखेंगे कि कच्चे माल का किस किस तरह हिसाब किया जाए। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, 10 टन बराबर 10 गुणा 1000 बराबर 10,000 किलोग्राम।
कच्चे माल के ढेर गड्ढे के लिए चाहिए, उसका हिसाब होगा बराबर जैविक खाद चाहिए बटा ढेर का सूचकांक बराबर 10,000 बटा 0.8 बराबर 12,500 केजी। 12.5 टन कच्चे जैविक अवशेष को बनने के लिए 10 टन जैविक खाद चाहिए। प्रति हेक्टर क्षेत्र के लिए 10,000 केजी भरा हुआ टैंक जैविक खाद चाहिए। बोरवेल के पानी से सीधे सींचे जाने वाले क्षेत्र को 8,000 केजी प्रति हेक्टर जैविक खाद चाहिए। वर्षा से सीधे सींचे जाने वाले क्षेत्र को 6,000 केजी प्रति हेक्टर जैविक खाद चाहिए। 20,000 केजी जैविक खाद बनने के लिए 2 कूड़ा गड्ढा बनाना चाहिए। एक ही बड़े जैविक खाद गड्ढे के लिए सहमति नहीं दी गई। कूड़ा गड्ढे को चिन्हित करने के लिए नियम और उसका निर्माण। कूड़ा गड्ढे को चुने गए स्थान को ए से चिन्हित करें। अब ए से 5 मीटर तक मापिए और वहां बी चिन्हित कीजिए। बी बिंदु से 3 मीटर क्रॉस या काट रेखा को मापकर वहां सी चिन्हित कीजिए। सी बिंदु से 5 मीटर मापिए और उसे डी बिंदु के रूप में चिन्हित कीजिए। सभी स्थानों को ए बी सी डी रूप में धागों से मिलन कर दीजिए। धागों के सीध में चूना पाउडर से रेखा बनाइए। सभी दिशाओं से चारों ओर का 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदिए। इसके बाद गड्ढे के तल में सीमेंट से पक्की कंक्रीट सतह बनाइए। जैविक खाद तैयार करने के लिए प्रक्रिया। सबसे पहले हम कैसे जैविक खाद और जैविक अपशिष्ट पदार्थ के साथ खाद के गड्ढे भरने के लिए तैयार करने के बारे में सीखना चाहेंगे। पहले गड्ढे के तल में पानी आसानी से नाले उसमें पत्थरों की पर से भरना होगा। खेती क्षेत्र का खाद, फसल के अवशेष, अनेक फसलों की अपशिष्ट पदार्थों, फूल की पौधों का अपशिष्ट पदार्थों, पशुओं का मूत्र, पशुओं का गोबर, बेंट का गोबर, मुर्गियों का मेल, ग्रीन लीफ मैन्यूर आदि 16 सेंटीमीटर के ऊंची परत तक भरें। उसके बाद गोबर 1 किलो सुपर फॉस्फेट छिड़कना है। दूसरी परत में नीम पोंगोमेनिया और काला ट्रिप के पत्ते और हरी पत्तियों की खाद, नीम अरंडी की खल्ली आदि को भरना चाहिए। दूसरी परत को 8 सेंटीमीटर की मोटाई तक भरना चाहिए। इस रूप में खाद के गड्ढे को 2 वैकल्पिक परतों में भरना होगा। अगर आप देखेंगे कि खेती क्षेत्र में अवशेष छोटे भागों में हैं, तो गड्ढे में अधिक वायु मिण्प्रण होगा। गड्ढे भरने के पूरे होने के बाद उसे लाल मिट्टी और गोबर पोस्ट के साथ बंद कर देना चाहिए। हर 10 दिनों के बाद गड्ढे में नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे जैविक खाद गलन की प्रक्रिया भी तेजी से होगी। गड्ढे में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए गड्ढे को किसी पेड़ छाया में खोदना चाहिए। जैविक खाद के गड्ढे में पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर पानी जमा होगा तो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे और दुर्गंध आएगी।
जैविक खाद की प्रक्रिया को पूरा होने में 2.5 से 3 महीने लगेंगे। खाद की प्रक्रिया के दौरान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के गड्ढे में विकसित और हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक को दबा देंगे। खाद के शीघ्र गलन की स्थिति। फसल के अवशेष का चुनाव। इन जैविक अवशिष्टों का गलन कार्बन और नाइट्रोजन पर निर्भर होता है, और अगर कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो तो गलन प्रक्रिया तेज होगी। उदाहरण, ग्लैरीसीडिया के पत्तियों और टहनियां, फसलों के अवशेष, खेती क्षेत्र के खाद आदि में कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये शीघ्र ही गल जाते हैं। परंतु लकड़ी के चूड़े, धान की भूसी, आरी के बुरादे आदि कम प्रतिशत कार्बिब नाइट्रोजन वाले होते हैं, जो गलने में अधिक समय लेते हैं। इसलिए अधिक मात्रा में कार्बन नाइट्रोजन वाली का चुनाव करना आवश्यक है। अगर अवशेष में अधिक सूखी लकड़ियां होगी तो उन्हें जल्दी गलने के लिए 1 किलो यूरिया मिला दीजिए। पशुओं के मूत्र में नाइट्रोजन अधिक होता है, उसे मिलाने से भी प्रयोजन शीघ्र होगा। खेती क्षेत्र के अवशेष आकार। अगर खेती क्षेत्र के अवशेष की मात्रा कम हो तो गलन प्रक्रिया तेजी से होगी। गड्ढे में नमी का प्रतिशत। गड्ढे में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखना होगा, जिससे जैविक तत्वों का गलन सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि और सहायता से गलन की क्रिया यथाशीघ्र हो सके। गड्ढे में पानी जमा नहीं होना चाहिए। पानी के जमाव के कारण वायु मिप्रण कम हो जाता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को बढ़ा देता है। जैविक खाद निर्माण के समय उत्पन्न होने वाली समस्याएं, उसके कारण और निवारण के उपाय। पाए गए लक्षण, गड्ढे में कम ताप की वृद्धि। समस्याएं, सूक्ष्म जीवाणुओं की कम वृद्धि। कारण, कच्चे माल, अधिक सूखे या अधिक गीले, कम हवा की उपलब्धि, कम कार्बन नाइट्रोजन प्रतिशत, कच्चे माल में ज्यादा मिट्टी मिला होना। सुधार, जब कच्चा माल मिलाया जाए या डाला जाए तो थोड़ा पानी के साथ यूरिया और सुपर फॉस्फेट मिलाना चाहिए। पाए गए लक्षण, सहसा गड्ढे का ठंडा हो जाना। समस्याएं, सूक्ष्म जीवाणुओं की अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण। कारण, नाइट्रोजन नहीं या कम होने से जैविक वस्तुएं सूख जाती हैं। सुधार, इसके लिए गड्ढे को मूत्र या पानी से सींचे, उसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा वाली हरी पत्तियों को भी मिलाएं। पाए गए लक्षण, सफेद फंगाई के विकसित होने के कारण। समस्याएं, अधिक सफेद फंगाई का विकास। कारण, जैविक वस्तुओं का अधिक सूखा रूप में होना या गड्ढे को बहुत दिनों तक मंथन ना किया हो। सुधार, गड्ढे का मंथन किया जाए, गड्ढे को मूत्र से सींचा जाए और अधिक नाइट्रोजन की मात्रा वाली पत्तियों की सब्जियां डाली जाए। पाए गए लक्षण, जैविक काले एर हरे रंग के खाद का विकास। समस्याएं, गड्ढे से दुर्गंध आना। कारण, गड्ढे को कम टीले के कारण एयर, उसमें कम हवा की उपलब्धि के कारण
तथा अधिक नाइट्रोजन की मात्रा वाली वस्तुओं के मिलाने से गड्ढे में पानी ठहरने के कारण बहुत दिनों तक गड्ढे को हिलाया ना गया हो। सुधार इसके लिए इसमें अधिक कार्बन की मात्रा वाली वस्तुओं डालें और बार बार मंथन करें। जब गड्ढे का तापमान बढ़ जाए तो उसे बार बार घेरें। सावधानियां। जो गड्ढा गाढ़े घोल से ढका होता है उसमें ना सींचें। गड्ढे में नमी बनाए रखने के लिए उसका हर 10 दिनों में पानी से सींचे। हरी पत्ती खाद के बिना खान ना बनाएं। कूड़ा गड्ढा हरी पत्तियां वाले खाद से भरे हों, जो जल्दी वस्तुओं के गलन प्रक्रिया और गड्ढे में पौष्टिकता को बढ़ाता है। कूड़ा गड्ढे के तल को कंक्रीट या दबाने वाले छर से दबा देना चाहिए। कूड़ा गड्ढे का तल मजबूत होने चाहिए, जिससे खाद में निहित पौष्टिकता भूमि तल में बह ना पाए। केवल कृषि क्षेत्र के खाद ही कूड़ा गड्ढे को भरने के काम में न लाया जाए। कृषि क्षेत्र खाद फसल के अवशेष, सब्जियों के कचड़े, हरी पत्तियों वाले खाद में अधिक पौष्टिकता के लिए इनमें मिलाया जाना चाहिए। कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा इन वस्तुओं में अधिक होने के कारण गलन प्रक्रिया शीघ्र होती है, जिससे कूड़ा खाद निर्माण शीघ्र होता है। कूड़ा गड्ढे की गहराई 1 मीटर से अधिक न हो। अगर हम गड्ढे को 1 मीटर से अधिक खोदें तो वायु मिश्रण एक समस्या हो जाएगी। कूड़ा गड्ढे को बिना गीला कीचड़ से ढके बिना नहीं छोड़ें। कूड़ा गड्ढा को भरने के बाद इसे गोबर और गीला कीचड़ से ढके होने चाहिए, जिससे जैविक कचड़ों में उपलब्ध पौष्टिकता कहीं हवा में न मिल जाए। गड्ढे को न भरें बिना मूत्र मिलाए। लगातार जानवरों के मूत्र से गड्ढे 7 से 10 दिनों तक गीला करते रहें। सभी कच्चे कचड़े एक ही बार गड्ढे में न भरें। परत दर परत भरें ताकि गलन जल्दी हो सके। निष्कर्ष। अब हम निम्नलिखित मॉड्यूल पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। खाद गड्ढा क्या है? जैविक खादों से लाभ। कूड़ा खाद गड्ढे के लिए उपयुक्त क्षेत्र। जैविक खाद के निर्माण में आने वाले कच्चे माल। कूड़ा खाद गड्ढा खोदने के लिए आवश्यक औजार और दूसरे साधन। कूड़ा खाद गड्ढा खोदने के तरीके। कूड़ा खाद को बनाने के तरीके। जैविक खाद निर्माण में होने वाली या बरतने वाली सावधानियां।